वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गुरुग्राम पब्लिक स्कूल रामगढ़। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड चैप्टर, दैट इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फूड। नाउ कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फूड आर ऑफ वराइटीज ऑफ द कैटेगरी दैट यू हैव टू स्टडी। नाउ द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ ए डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स न्यूट्रिएंट। ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट। नाउ द फूड दैट वी ईट, ओके, जो भी आप खाना खाते हो उसमें कुछ ना कुछ पोषण होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट। नाउ दिस न्यूट्रिएंट आर द सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शन। ओके, तो जो भी आपके प्रॉपर ग्रोथ होने चाहिए बॉडी में और जितने भी रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को चाहिए वो सारे के सारे आपको फुलफिल होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिएंट। एंड दिस नॉट ओनली गिव्स यू द प्रॉपर ग्रोथ बट ऑल्सो it makes you the healthy body function. So there are major six types of nutrient that found in our food. Okay, so we will discuss about the carbohydrate. We will discuss about the carbohydrate, that is the first one. Second is the fat, protein, vitamins, minerals and roughage. Now let us see one by one. First is the carbohydrate, fats, protein, vitamins, minerals and the roughage or the dietary fiber. एक एक करके एक एक कैटेगरीज को हम लोग समझेंगे कौन से फूड से क्या मिलता है, क्योंकि आप सभी को कुछ फूड के बारे में पता होगा कि हमें इस फूड से ये न्यूट्रिएंट मिलते हैं, उस फूड से वो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, बट एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ इस कैटेगरी में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट होगा, उस चार्ट में दिखा हुआ है तीन कॉलम्स हैं, उसमें मेंशन है फूड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, सेकंड इज द मेजर न्यूट्रिएंट एंड फूड कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट। नाउ बेसिकली तीन टाइप के आपको फूड ग्रुप्स होते हैं। पहला जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड वन इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव। ओके, पहला जो है एनर्जी, यानी जो भी आप खाना खाते हो उस खाने में अगर आपको उस खाने से जो पोषण में एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से जो कुछ भी आपके बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकता है आपके बॉडी को फिट एंड फाइन करने के लिए, वो सारा कुछ आपको एनर्जी गिविंग फूड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज द बॉडी बिल्डिंग। मान लो कभी आप कहीं गिर गए या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई आपके बॉडी टिश्यू में या स्किन में कोई खरोच लग गया, तो कुछ दिनों के बाद देखते हो कि वो धीरे धीरे भरने लगता है, तो वो भरने की प्रक्रिया में बेसिकली बॉडी बिल्डिंग फूड्स काम आते हैं, यानी वैसे फूड जो आपके घाव और जख्म को यानी आपके चोटों को भर सके, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड द थर्ड इज़ द प्रोटेक्टिव, एंड द थर्ड इज़ द प्रोटेक्टिव यानी कि पूरी की पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको जो दिया जाता है फूड में वो प्रोटेक्टिव के अंदर आता है। और ये तो हो गए बात फर्स्ट थ्री ग्रुप्स ऑफ द फूड ग्रुप के। Now we will discuss about the major nutrient. The major nutrient energy giving food में तुम लोग को पढ़ना है carbohydrate and fats, second पढ़ना है protein and third पढ़ना है vitamins and the minerals. Now one by one we will discuss about the food containing the nutrient. Carbohydrate में सबसे पहले rice very common, आप सभी खाते हो, wheat हो गया, potatoes हो गया, bananas हो गया and sugar हो गया are the several examples. आई मस्ट से आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है फैट्स, फैट्स में घी हो गया और ऑयल हो गया। नाउ ये सारी चीज़ें जब आप देख लोगे, फिर से राइस, वीट, पोटैटोज, बनानाज एंड द शुगर, दीज आर अंडर द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, घी एंड ऑयल। सेकेंड वन इज़ द एनिमल प्रोटीन, मिल्क, मीट, मटन, चिकन, फिश, एग्स, वाइट एट्सेट्रा। प्लांट प्रोटीन में पल्सेस लाइक ग्राम, सोयाबीन एंड पीस, ये सभी ऐसे फूड हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ मिलता है और हर एक का अपना अपना कैटेगरी। अब राइस से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उससे आपको प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप में मिलेगा यानी कि वाइटामिन एंड मिनरल्स, नो। बॉडी बिल्डिंग फूड में बेसिकली क्या है कि मिल्क है, पल्सेस हो गए, ग्राम, सोयाबीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, इससे आपको बेसिकली प्रोटीन ही मिलेगा, ना कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो हर एक का अपना अपना कैटेगरीज होता है, हर एक को कंज्यूम करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट खाना है तो सिर्फ राइस ही कंज्यूम कर रहे हो और पल्सेस नहीं खा रहे हो। पल्सेस नहीं खाओगे तो आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी और इसके कारण से आपका बॉडी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, बॉडी के बिल्डिंग्स नहीं हो पाएंगे, सेल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली आप वीक हो जाओगे। अंडरस्टूड?
एंड प्रोटेक्टिव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पेनिच, पालक, कैबेज हो गया, वेजिटेबल्स कंटेनिंग द डाइट्री फाइबर्स सच एज द ब्रिंजल बीन्स एंड द फ्रूट. सो दीज ऑल आर द नेसेसरी दैट यू हैव टू रेडिएट. नेक्स्ट दैट इज द फर्स्ट टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट. नाउ कार्बोहाइड्रेट वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट दैट इज द कार्बोहाइड्रेट द कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आपको पढ़ना क्या है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ऐसे कंपाउंड से निर्मित हैं जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है. कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे होता है? क्योंकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट बनाता है अपना फूड ग्लूकोज, और ग्लूकोज और कुछ नहीं बल्कि एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला C6H12O6. इसके अलावा शुगर इज़ वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट्स. आप चीनी खाते हो, चीनी में बेसिकली भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसका फॉर्मूला C12H22O11. एंड स्टार्च, स्टार्च बेसिकली जो चावल से जो बच जाता है पानी, जिसको हम लोग माड़ के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग स्टार्च के नाम से जानते हैं. स्टार्च याद रखना है आपको, ओके. इसके अलावा स्टार्च का फॉर्मूला यहाँ पे है C6H10O5HN आर द टिपिकल कार्बोहाइड्रेट. शुगर एंड स्टार्च मेक द मेजर पार्ट ऑफ द फूड. इसके अलावा शुगर और स्टार्च जो है वो मेजर पार्ट होता है, क्योंकि स्टार्च आपको पता है कि राइस में मिल जाता है और राइस इज़ ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो यू हैव टू मेक इट क्लियर, आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट बनता किससे है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन तीनों को मिला दो तो आपका एक कंपाउंड तैयार हो गया, उस कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के में बेसिकली जो होते हैं वो मेन तत्व जो पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो होते हैं ग्लूकोज, शुगर एंड द स्टार्च. और ये तीनों चीज़ आप डेली वे में कंज्यूम करते हो. ग्लूकोज को आप यूज़ करते हो, ठीक है, ग्लूकॉन डी वगैरह. पानी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आप उसको क्या करते हो, पानी में घोल के पीते हो, कंज्यूम करते हो. इसके अलावा राइस में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है, शुगर आप कंज्यूम करते हो मीठे के फॉर्म में. तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके आपको याद रखना है. सो कार्बोहाइड्रेट में आगे हम लोग प्रोसीड करके देखते हैं कि आगे और क्या है. कार्बोहाइड्रेट द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ आवर एनर्जी फॉर आवर बॉडी. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन एंड चीपेस्ट, चीपेस्ट मतलब सस्ता है सोर्स ऑफ एनर्जी. राइस वेरी कॉमन, शुगर वेरी कॉमन. तो दीज आर द फूड दैट यू कैन ईट एंड ईच एंड एवरी वन कैन ईट एंड गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए एनर्जी गिविंग फूड दैट इज द कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, therefore कार्बोहाइड्रेट आर also known as the energy giving food. और इसलिए अगर जिस खाने से आपको एनर्जी मिलती है तो उस खाने को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड के कैटेगरी में डालते हैं. नाउ देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. दो मेजर टाइप के कार्बोहाइड्रेट जिसके बारे में आपको जानना है वो शुगर और स्टार्च. शुगर एंड द स्टार्च आर द टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द शुगर. शुगर इन शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट. शुगर और कुछ नहीं बल्कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसमें क्या होता है, फ्रूट्स, हनी, टेबल शुगर, जो चीनी जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टेबल शुगर, आर द सम सोर्स ऑफ द शुगर. ओके, सो दीज आर द वेरी कॉमन एग्जांपल. नाउ लेट अस सी इन द स्टार्च. स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. दोनों में फ़र्क क्या है शुगर एंड स्टार्च में? शुगर इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट वेयर स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च इज ए टेस्टलेस. स्टार्च टेस्टलेस होते हैं बेसिकली, ऑडरलेस, देयर इज नो स्मेल, वाइट सब्सटांस. स्टार्च इज ए इनसॉल्युबल इन वाटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानी में कभी ये स्टार्च घुल नहीं सकता है, तो ये याद रखना है. दूसरी चीज़ जो आपको सबसे पहले याद रखनी है वो है टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होता, और ये वाइट सब्सटांस होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. शुगर की तुलना में अगर बात किया जाए तो शुगर जो है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. एंड द मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च फॉर इन आवर फूड आर वीट, राइस, मेज एंड पोटैटोज. सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वीट, राइस, मेज एंड पोटैटोज. नाउ द नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हाउ दैट कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड. नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन स्टार्च एंड द शुगर गेट कन्वर्टेड टू गिव ग्लूकोज. याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली दो फॉर्म्स होते हैं, शुगर एंड द स्टार्च. शुगर एंड स्टार्च जब हमारे पेट में जाता है तो वो डाइजेस्ट होने के बाद बन जाता है एक सिंपल फॉर्म जिसको बोलते हैं ग्लूकोज. तो ग्लूकोज क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं. लेट अस सी.
Now, glucose is then absorbed by the blood and transported to the various part of the body. हमारे body में जैसे ही ये sugar या starch enter करता है वो convert हो जाता है glucose में. उसके बाद वो glucose आपके blood में absorb होता है और transport होता है to the various part of the body. यानी कि जितने भी आपके body में cells हैं उन सभी cells तक पहुँचता है because during the respiration part of the glucose get oxidized and carbon dioxide and water is released. तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे आप समझो कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में जो भी एनर्जी मिलता है, सपोज आपको ग्लूकोज मिला, वो ग्लूकोज चला जाएगा ब्लड के साथ घुलने मिलने के बाद, और उसके बाद वो पहुँच जाएगा आपके सेल्स में. सेल्स में क्या होता है कि इस ग्लूकोज को फिर बर्न करना रहता है, और ये बर्न तब होता है जब हम सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन. तो जैसे ही हम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन को ये ग्लूकोज क्या करेगा, तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. वेरी वेरी सिंपल. और इस कारण से जब ये दोनों टूट जाते हैं ग्लूकोज, और टूटने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस से बाहर रिलीज कर देते हैं, पानी हमारे बॉडी में रह जाता है, इसके अलावा एनर्जी भी हमारे बॉडी में रह जाता है, तो खाने के बाद ही हमें एनर्जी आती है वो इस तरीके से. समझ में आ रही बात? नौ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि इस रिएक्शन को याद रखना है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ, अब बोलोगे आप ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो बच्चों याद रखना है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से, सांस लेने से, ब्रीदिंग प्रोसेस. तो रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और दिस इज द केमिकल फॉर्मूला रिएक्शन. इसको याद रखना, C6H12O6 अलॉन्ग विद ऑक्सीजन दैट इज O2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन. सांस लोगे यानी रेस्पिरेशन होगा तभी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगा आपके बॉडी को, और इस कारण से आपका बॉडी खाने के बाद एनर्जी से भरपूर रहता है और आप में बहुत सारी ऊर्जा रहती है. खाना नहीं खाते भूख लगता है, एनर्जी ख़त्म हो जाता है, खाना खाते हो भूख भी ख़त्म और एनर्जी भी वापस आ जाता है. सो इन दिस वे वी गेट द एनर्जी. नाउ याद क्या रखना है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं कि सेलुलोज जो होते हैं इज़ ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सेलुलोज इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सेलुलोज इज ए टेस्टलेस, लाइक जैसा आपका स्टार्च था, वाइट पाउडर मटेरियल. सेलुलोज इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल, वुड एंड द कॉटन. चलो सेलुलोज के बारे में तो आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना जानना है कि सेलुलोज भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और एक टेस्टलेस और पाउडर मटेरियल होता है, और प्रेजेंट कहाँ होता है, प्लांट सेल वॉल में. इसको ध्यान रखना है आपको. ओके, सो दिस इज इट फॉर द कार्बोहाइड्रेट. हैव ए गुड डे. थैंक यू.